हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्पीड ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकेंड क्लास है। दोस्तों देखिए, एडवांस में हमारा ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक दो चैप्टर छोड़ के अलजेब्रा का एक चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। इसके अलावा अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूँ तो आपका लगभग परसेंटेज कंप्लीट हो गया है। परसेंटेज के कुछ टॉपिक हैं, उनको हमें कंप्लीट करना बाकी है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्लास हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाले ये फाइंड आउट करना। कल मैंने आज ही की सुबह की क्लास में मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस किया हुआ था, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हुआ था। बहुत लोगों के कमेंट भी आए, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, जिन्होंने अप्रिसिएट किया उनको थैंक यू सो मच। और जिनको जो भी जैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए। अगर कोई चीज़ एडवाइस करनी है, कोई चीज़ गलत लगती है तो उसको भी आप दोस्तों कमेंट करके बताइए, हम उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, उसमें हमने एक मेथड को फॉलो किया था। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने के आपको दो मेथड बताए थे, याद होगा आपको, दो मेथड मैंने बताया था। एक तो आपका ये वाला मेथड था, पहला मेथड 6 to 5 हो गया, 6 to 5 हो गया। ठीक है, इस तरह वाला मेथड था जो हमें करना नहीं है दोस्तों। इस वाले मेथड को नहीं करना है हमको। कौन से मेथड को फॉलो करना है हमको? मेथड को फॉलो करना है, अगर 36 है, 2 ईयर है आपको, 1 ईयर एंड 2 ईयर का इंटरेस्ट, अगर 1/6 आ रहा है, 1/6 आ रहा है तो इधर 6 आ जाएगा और 6 और यहाँ से कितना जाएगा 1। ये वाला मेथड कल मैंने बताया था, कल डिस्कस किया था, कल क्या आज ही डिस्कस किया था, आज की क्लास में मैंने ये चीज़ डिस्कस की हुई थी दोस्तों। तो चलिए उसी के आगे अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब उसमें देखिए बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा बहुत टाइप को घुमा के क्वेश्चन इधर उधर घुमा के क्वेश्चन देता है पेपर में। जनरली बच्चे इसमें ज़्यादा आता नहीं है। देखिए जो मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा दिया था, प्रिंसिपल रेट आपका दिया होगा, टाइम दिया होगा, अब प्रिंसिपल या अमाउंट पूछ लेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। 4-5 चीज़ें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट हो गया, इन्हीं में घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछता रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करना चाहूँगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आर की वैल्यू दिया हुआ 10%, आर की वैल्यू 10%, टी की वैल्यू दी हुई है आपकी 3 ईयर, ठीक है, और आपको यहाँ दिया हुआ है सी आई की वैल्यू दी हुई है दोस्तों, सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है 3310 रुपये। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है दोस्तों। ठीक है, देखिए अभी तक हमने 2 ईयर वाले क्वेश्चन को किए थे, कितने ईयर वाले, 2 ईयर वाले क्वेश्चन को किए थे दोस्तों। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 ईयर वाले क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले 2 ईयर वाले क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 2 ईयर लिया था, इसमें 3 ईयर के क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। आप में 3 ईयर भी आ सकता है, वैसे रेलवे की बात करूँ तो 3 ईयर तो इसका मैक्स टू मैक्स है, वैसे 2 ईयर तक ही क्वेश्चन पूछेगा, 3 ईयर तक तो आरआरबी मुझे नहीं लगता जाएगा, लेकिन फिर भी हमें आपको प्रोसेस पता होना चाहिए सॉल्व करने का, क्योंकि आपका लगे हाथ ही आपका जो पेपर है, आपका जो पेपर है अभी आपका एसएससी क्या बोलते हैं आरआरबी जेई का पेपर है, फिर अभी आरआरबी एनटीपीसी आने वाला है, फिर आपका एफसीआई का पेपर है, एसएससी सीएचएसएल का पेपर है, मतलब लगातार एसएससी सीजीएल का पेपर है, कंटिन्यूसली आपके पेपर आते जाएंगे, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने क्या बोला था, सबसे पहले 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, कितना ईयर है, 3 ईयर है, तो मतलब 10^3, 10 × 10 × 10 ले लेंगे, तो अब मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल वैल्यू 1000 रुपीज़ थी। ठीक है, कितना ईयर दिया हुआ, 3 ईयर, तो 3 ईयर का फटाफट हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना जाएगा, ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, इंटरेस्ट रेट कितना 10%, मतलब 1/10 1/10 1/10 सब पे 1/10 ही लगेगा, तो 1/10 ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब हमारे सेकेंड ईयर में आपका जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उसका भी लगेगा, उसका भी कितना लगेगा, 1/10, तो ये हो जाएगा 10,
ठीक है, अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। थर्ड ईयर में आपका फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, सेकेंड ईयर के दो इंटरेस्ट हैं इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा और इस वाले भी इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर मैं सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर का 100 रुपये है उस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 100 रुपये ये हो जाएगा 10 रुपीस, और कितना रेट, रेट कितना है 1/10 ही है, ठीक है। 100 रुपये इस इंटरेस्ट पे भी 1/10 लगेगा, तो ये हो जाएगा 10 रुपीस, और इस वाले इंटरेस्ट पे भी, इस वाले कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा 1/10 से, तो कितना हो जाएगा 1 रुपीस, ठीक है। अब देखिए टोटल आपके क्या चुके हैं, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ऐड कर लेते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 10 10 10 30 हो गया, 331 यूनिट हो गया क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो आपका हो गया सीआई, हो गया ये, हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 331 यूनिट है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना दिया हुआ है 3310 रुपये, 3310 रुपये, तो 331 यूनिट हो जाएगा 3310 रुपये के बराबर। तो एक यूनिट दोस्तों कितना जाएगा आपका 10 रुपीस, इतना आ जाएगा एक यूनिट आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 10 रुपीस के बराबर आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था दोस्तों, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रही थी, प्रिंसिपल हमारा ये क्या होता है, ये दोस्तों प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1000 यूनिट इंटू, एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपीस है, तो 10 रुपीस आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताओ फटाफट, ठीक है। इतनी चीज़ आपको अगर समझ में आ गई हो, तो अगर आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया तो तीन ईयर का दे दे, चार ईयर का दे दे, पाँच ईयर का दे दे, आपसे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। आप क्वेश्चन को उसी ईजिली के साथ, उसी कॉन्सेप्ट के साथ बड़े ही आसानी से दोस्तों कर सकते हो। अभी तक मैंने टू ईयर के, इससे पहली वाली क्लास में टू ईयर तक लिया था, अभी मैंने क्या किया, तीन ईयर का क्वेश्चन लिया है, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर दिया हुआ है। अगर 3 ईयर 4 मंथ भी दिया होता तब भी आप क्वेश्चन कर लेते, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वही 73 डेज वाला मैंने कराया था। 3 ईयर दिया हुआ है तो मैंने इस बार 10 की पावर 3 रखा, मतलब 10 × 10 × 3 आपका आ गया 1000। तो मैंने प्रिंसिपल की वैल्यू इसमें क्या माना, 1000 यूनिट, और एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में इंटरेस्ट अलग अलग निकाल लिया, 1/10 1/10 1/10% तीनों साल सेम ही है, ठीक है। तो ये आ गया 100, इसका हो गया 110, 100 इसका हो गया 110। अब हमारे सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर वाले इंटरेस्ट में लगा 100 पे 10, और थर्ड ईयर में इस पे तीनों में दोबारा इंटरेस्ट लगा, तो आपका ये आ गया। अब बाकी कैलकुलेट कर लिया है, इतना तो आप जानते ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट के अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, अलग अलग टाइप के दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब कोई भी टाइप का वेरिएशन करेगा तो हमसे क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं फटाफट, जैसे मैंने बोला देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। दिया हुआ है दोस्तों प्रिंसिपल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्या दोस्तों प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है, और आर की वैल्यू दी हुई है 25%, और टी दिया हुआ है 3 ईयर। आपको सीआई एंड एसआई का डिफरेंस बताना है, सीआई माइनस एसआई का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। थर्ड ईयर का एसआई दिया हुआ है, थर्ड ईयर का सीआई दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है दोस्तों 500 रुपये। क्या कर लेंगे आप लोग, क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, सेम वही कॉन्सेप्ट से फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बड़ी ही आसानी के साथ दोस्तों आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आर की वैल्यू कितनी है 25%, ये हो जाएगा आपका 1/4, इसमें किसी की दिक्कत। अब हम प्रिंसिपल वैल्यू को क्या माने, 100 माने, बिल्कुल नहीं 100 मानना, प्रिंसिपल वैल्यू को हम वही मानेंगे जो यहाँ पे 4 जो हमारा बेस वैल्यू आ रहा है, ये बेस वैल्यू, ठीक है, इसी को इसी से हिसाब से हम प्रिंसिपल वैल्यू मानेंगे। तो कितना मानेंगे, 4 का क्यूब, मतलब 4 × 4 × 4 आ जाएगा आपका 64 यूनिट, ये आपका हो गया, ये मैंने 64 यूनिट क्या माना, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। इसको 3 भागों मैंने डिवाइड कर दिया, 3 ईयर में पहला फर्स्ट ईयर, दूसरा सेकेंड ईयर, तीसरा क्या होगा दोस्तों थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में
फर्स्ट ईयर में रेट सब में 25 25 25 है, सब में 25% ही है, तो 1/4 1/4 1/5 सब में लगने वाला है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 8, सेकेंड ईयर में 1/4 हो जाएगा 8, 1/4 8 ही होगा, 4 × 4 16 होगा, ठीक है दोस्तों। तो सॉरी यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 16 16 16, ठीक है, ये हो गया आपका 16, 1/4 हो जाएगा 16, 1/4 हो गया 16, ठीक है। अब हमारे सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट लगेगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 16 है, इस पर 1/4 फिर से इंटरेस्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा 4। अब थर्ड ईयर में जितने भी पुराने इंटरेस्ट हैं, थर्ड ईयर से पहले के जितने इंटरेस्ट हैं, उसमें दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, तो इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा और इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। जब इस पर लगेगा तो ये हो जाएगा आपका 4, इस पर लगेगा ये हो जाएगा आपका 4, 1/4 इंटरेस्ट, क्योंकि ये देखो 1/4 हमारा तीनों साल लगा है, तो यहाँ पे रेट चेंज नहीं हो रहा है। अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का अलग अलग रेट होता तो अलग अलग वैल्यू आती, ठीक है, यहाँ पे रेट सब में सेम है, तो 1/4 किया 4 हो गया, इसका 1/4 किया 4 हो गया, 4 का 1/4 किया कितना आ गया 1। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 500 रुपये है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों क्या है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये रहा, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहा आपका ये रहा, थर्ड ईयर कितना हो गया 16 + 4 = 20, 20 + 4 = 24 + 1 = 25, मतलब थर्ड ईयर का जो हमारा सीआई है वो है 25 यूनिट, और यही 25 यूनिट किसके बराबर है, थर्ड ईयर का सीआई दिया हुआ है 500 रुपये, काट के देख लेते हैं, 25 + 1 = 25, 2 + 25, 2 + 50 = 20, मतलब आपका 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है दोस्तों 20 रुपीस, समझ में आ गया, ओके। हमसे पूछ क्या ना भाई, हमसे पूछ रहा है कि सीआई एंड एसआई का डिफरेंस बताना है दोस्तों। देखिए सीआई और एसआई टोटल हमारा क्या होता है, ये पूरा टोटल क्या होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से सीआई को अगर माइनस कर दूं, ये सीआई हटा दिया तो बचा क्या 4 4 4 1, मतलब 4 4 4 12 एंड 13, कितना बचा सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना बचा दोस्तों, सीआई माइनस एसआई, सीआई पूरा होता है, इसमें से एसआई वाले को मैंने माइनस कर दिया, क्या बचा 4 + 4 = 8 + 4 = 12 + 1 = 13, मतलब 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 13 यूनिट की वैल्यू होगी 13 × 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 13 × 20 आपका हो जाएगा 260 रुपीस। इतनी बात समझ आ गई, एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ क्लियर है, ओके दिख रहा है नीचे, तो हमारा जो इसमें सी आई माइनस एस आई हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका ये आ जाएगा 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है, तो 13 यूनिट की वैल्यू होगी 13 × 20 260 रुपये। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्तों अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछा हुआ है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 64 यूनिट, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है, तो 64 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 64 × 20 आपका हो जाएगा 128 0 रुपीस। इतनी बात समझ आ गई दोस्तों, किसी को कोई डाउट है, इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट के किंग हो गए। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत इजी था, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ ये निकालना होता है, सिंपल इंटरेस्ट कुछ करना ही नहीं होता है, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना होता, बस खाली आपका परसेंटेज वैल्यू दिया, यहीं से आप निकाल लेंगे। ये जैसे 25% का दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 25% का दिया हुआ है आपका 1/4, ये आपका हो जाता है प्रिंसिपल और ये हो जाता है क्या आपका इंटरेस्ट हो जाता है, तो सीधे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, बड़ी आसान है, ये तो मैंने करा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इसके भी मैंने एक दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, दो तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए हैं, जिससे आप सुटेबल हो उससे आपको सॉल्व कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये काफ़ी अच्छा मेथड है, यहाँ से क्वेश्चन अगर आपने किया है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट मैक्सिमम यही है, पर थोड़ा सा यहाँ पे घुमा फिरा के देगा, क्वेश्चन आपको यही पूछेगा ऑलमोस्ट।
ठीक है। अच्छा कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आप वीडियो को स्टॉप करिए और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के कैसे भी दे दे, क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमा सकता है, क्वेश्चन घुमाएगा आपको इसी में, क्वेश्चन को लैंग्वेज घुमाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। रेट दिया हुआ है आपका 14.27%, टाइम दिया हुआ है आपका 3 ईयर, ठीक है। और थर्ड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई माइनस सेकेंड ईयर का एसआई, सेकेंड ईयर का एसआई, देखिए कितना क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। 640 रुपीज़ फाइंड दी वैल्यू ऑफ दी कंपाउंड इंटरेस्ट। देख रहे हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन को, अगर आपको ये मेथड नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप फार्मूला लगा लेंगे, कितनी भी कोशिश कर लेंगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। आंसर तो आ जाएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, और इसको कर पाना जहाँ तक मुझे लगता है एग्जाम में, एग्जाम के उस टाइम इंटरवल में कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। यहाँ पे आप स्टार बना लीजिए, डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है। रेट हमारा देखिए कितना इजी हो जाएगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो लगा के फार्मूला देखिएगा या किसी और अपने दोस्त से पूछिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विथाउट ये मेथड, इस मेथड के अलावा सॉल्व करके दिखाओ, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। रेट की वैल्यू कितनी थी, 14.27% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/7, 3 ईयर है तो 7 × 7 × 7 कितना होता है, 343 होता है, 343 होता है, हाँ 343 होता है। 7 का क्यूब सबको याद होगा दोस्तों, नहीं याद है तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर, ये हो गया आपका थर्ड ईयर। रेट कितना है हर बार सेम है, यही रेट है 1/7 1/7 1/7, तो ये हो जाएगा आपका 49 1/7 49 हो गया। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट आएगा 49, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट आएगा 49। अब इस फर्स्ट ईयर के भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, 1/7 ही लगना है, तीनों साल 1/7 ही है तो इस पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब थर्ड ईयर पे फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पे लग जाएगा तो ये हो जाएगा 7, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे लग जाएगा 7, और एक और इंटरेस्ट है यहाँ पे, इस पे लग जाएगा आपका 1/7 हो जाएगा 1। अब देखिए दोस्तों अब क्या इसमें पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि आपका थर्ड ईयर का सी आई, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या भाई, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये है पूरा, इसको बोलते हैं थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का सिर्फ, अगर ये दोनों लेंगे तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे, सिर्फ ये वाला हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसमें कंपाउंड, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है और सेकेंड ईयर का सिर्फ एसआई बोला है, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सेकेंड ईयर का सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है, इन दोनों को माइनस करने पे, ठीक है, अगर इन इसको और इसको माइनस करेंगे 49 कट जाएगा, 49 तो ऐसे माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 7 + 7 + 1 आपका आ जाएगा 15 यूनिट, ठीक है। ये जो होगी हमारी वैल्यू आ जाएगी 15 यूनिट के बराबर, और यही 15 यूनिट दिया हुआ है 640 के बराबर, ठीक है, कहीं गलती हो गया। नहीं एक जगह यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे आपका सी आई होगा, ठीक है, ये यहाँ पे सी आई नहीं होगा, यहाँ पे एस आई नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका सी आई, ठीक है। मतलब कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आपका सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब कितना बचेगा, 49 माइनस हो जाएगा, 7 में से 1 7 माइनस हो जाएगा, बचे क्या 7 + 1 वो 8 यूनिट, मतलब कि 8 यूनिट = 640, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा दोस्तों, काट के देख लेते हैं, 8 × 64 = 0, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 80 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा, पूरा ऐड कर लेते हैं भाई,
49 कितना हो जाएगा 147 147 देखिए 49 प्लस 49 प्लस 49 हो जाएगा 147 प्लस 21 हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 169 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो ये अपना कितना हो जाएगा, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 169 इंटू एंटर आ जाएगा आपका 13520 रुपीस, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हमने क्या माना था, प्रिंसिपल वैल्यू हमारा था 343 यूनिट, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 343 यूनिट इंटू एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी 80 रुपये, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 25,440 रुपये, 25,440 रुपये, 25,440 रुपये आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एक एक चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया था, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, बाकी आपका आंसर तो आप खुद सेव कर सकते हैं दोस्तों, अब इसमें उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, अच्छा इसमें थोड़ा सा वेरिएशन, देखिए क्वेश्चन में आपको बार बार वेरिएशन करेगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करेगा, जैसे देखिए इस बार क्या वेरिएशन किया दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस के उसको लैंग्वेज को चेंज करेगा और बस आपको सॉल्व करने को बोल देगा, ठीक है। देखिए इस बार क्या किया है, रेट आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 16 सही 2/3%, रेट दिया हुआ है 16 सही 2/3%, टाइम की वैल्यू दिया हुआ है 3 ईयर, ठीक है, और बोला है 10 ईयर का SI, 10 ईयर का हमारा SI दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है दोस्तों 7200 रुपीस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन देख के काफ़ी डिफिकल्ट है, बहुत लोग क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता था दोस्तों, अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट समझिए आपके लिए पेपर आसान हो गया दोस्तों। अगर आपको बच्चों ये समझिए कि पेपर में कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर 2 क्वेश्चन आ गया, समझिए आपके लिए बोनस है, और आप सिर्फ 5-6 सेकेंड या मैक्सिमम 10 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 10 सेकेंड लगेगा सॉल्व करने में, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आता फटाफट वैल्यू रखेंगे, अभी तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप क्या करेंगे फटाफट वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल भी दोस्तों टाइम नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन में क्या दे दिया 10 ईयर का SI दे दिया है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे कर दिया है, देखते हैं कैसे करेंगे। 16 सही 2/3% सबको पता होता है कितना होता है 1/6 होता है, ठीक है। टाइम कितना है 3 ईयर, मतलब 6 × 6 × 6 हमको लेना पड़ेगा 216 यूनिट, ठीक है। 3 ईयर है भाई, 3 ईयर फटाफट बना लेते हैं, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमको, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, कितना रेट है 1/6 1/6 1/6, तो ये हमारा आ जाएगा कितना यूनिट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 यूनिट, फिर आ जाएगा 1/6 36 यूनिट और 36 यूनिट। सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लगेगा तो 1/6 किसका कितना हो जाएगा 6, थर्ड ईयर में आपका 3 इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर से पहले कितने इंटरेस्ट है 3 1 2 3, इन तीनों पे इंटरेस्ट लगेगा कितना कितना 1/6, ये 6 हो गया, फिर 36 ये भी 6 हो जाएगा, 1/6 6 का 1/6 1 हो गया, इतनी बात समझ आ गई, इतना तो आपको फॉरवर्ड, आप इसलिए तो मास्टर हो गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब बोल रहा है कि 10 ईयर का SI है आपका 7200 रुपये, अच्छा फर्स्ट ईयर का SI क्या है आपका, ये क्या है आपका दोस्तों, ये दोस्तों आपका क्या है, ये SI है कि नहीं है, ये आपका क्या है SI, फर्स्ट ईयर का SI 36, सेकेंड ईयर का SI 36, थर्ड ईयर का SI 36, मतलब कि SI जो होता है हमारा चेंज नहीं होता दोस्तों, SI जो होता है दोस्तों हमारा चेंज नहीं होता है, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइव ईयर हर साल सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, क्यों बढ़ता रहता है क्योंकि वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा और सेम इसी में बढ़ता रहेगा, ठीक है।
सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आपका सेम रहेगा, अगर फर्स्ट ईयर 10 अगर 10 रुपीज़ है तो सेकंड ईयर भी 10 होगा, थर्ड ईयर भी 10, फोर्थ ईयर भी 10, चाहे 50 साल बाद जाएंगे तब भी 10 ही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर फर्स्ट ईयर का है 36, सेकंड ईयर का 36, थर्ड ईयर का 36, तो ऐसे फोर्थ का भी होगा, फिफ्थ 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक होगा। तो 10 ईयर का हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, 10 ईयर का हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 36 × 10, 36 एक ईयर में है तो 10 ईयर में कितना हो जाएगा, 360 यूनिट हो गया, 360 यूनिट। और ये 360 यूनिट कितने के बराबर दिया हुआ है, 7200 रुपीज के दिया है ना। 10 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 7200, और हमने यहाँ से कितना निकाला, 360 यूनिट। तो आपका वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाए कट गया 36 1 और ये आपका 220, मतलब कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो आ गई 20 रुपीज़। इतनी बात क्लियर हो गई, एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 20 रुपीज़। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करना है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा, 36 + 36 + 36 आपका हो जाएगा 36 × 18 + 9 = 108, 108 + 108 + 66 = 18 + 1 = 19, मतलब कि 127 यूनिट हो जाएगा। हाँ, CI आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, टोटल इनको सम करेंगे 36 + 36 + 36, 108 + 19 हो जाएगा आपका 127 यूनिट। CI की वैल्यू आ गई 127 यूनिट, एक यूनिट है हमारा 20 रुपये, तो 127 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2440 रुपीज़, इतना हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जाएगा, CI आ जाएगा 2540। तो भाई हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू मैंने कितना माना था, 216 यूनिट × एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 20 यूनिट से, तो ये हो जाएगा आपका 216 432 रुपये आ गया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 4320, बाकी सब चीज़ आपके सामने क्लियर है। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से आपको कैसा भी वेरिएशन दे दे, कैसा भी वेरिएशन दे दे, अभी आगे देखिएगा अगले लेक्चर में क्या करूँगा कि यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है ये तीनों ईयर के लिए फिक्स है, अभी रेट में भी चेंज करेगा, ये बोल देगा पहले ईयर 10% रेट था, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट था, सेकेंड ईयर में 16.2% हो गया, थर्ड ईयर में 12.1% हो गया, रेट को भी चेंज करेगा दोस्तों, तब क्वेश्चन करने में और ज़्यादा मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा पार्ट, जिसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और हमारे साथ जुड़े रहिए स्टार्टिंग से, और दोस्तों मेहनत करते रहिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको लास्ट दिन तक हिम्मत नहीं छोड़नी है, हार नहीं मानना है, जब तक एग्जाम दे के सेंटर से बाहर नहीं निकल आते तब तक आपको यह करना है, तब तक हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं ना, जहां पे आपने उम्मीद छोड़ी वहीं से आपका सिलेक्शन कट हो जाएगा। अगर कोई बंदा दौड़ रहा है रेस में, जो बंदा रेस में दौड़ रहा है, अगर वो एकदम लाइन से 10 मीटर पहले वो हिम्मत छोड़ दे कि नहीं हो पाएगा मुझसे और रुक जाए, तो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो आपको जब तक क्रॉस नहीं कर लेना है, जब तक एग्जाम दे नहीं लेना है, तब तक आपको लगे रहना है, कुछ चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हुई हैं, ठीक है। अभी दोस्तों क्या कि हमारी वेबसाइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ जो प्रॉब्लम आई है, देखिए आपको भी लगा होगा कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, थोड़ा मैंने और अच्छे से पढ़ सकता, देखिए रिग्रेट कर लीजिएगा एग्जाम के बाद, एग्जाम पहले दे लीजिए, जो पिछला हुआ उसको भूल जाइए, जो पिछला आपका मेहनत नहीं किया, घूमने चले गए, पढ़ाई नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की, चलिए जो होता था। अभी जो हमारे पास एक दो हफ्ते बचे हैं उसमें भी अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो CBT 1 तो आपके बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। CBT 1 में सिर्फ और सिर्फ क्लियर करना है दोस्तों, आपका इसका मार्क्स कहीं ऐड नहीं होने वाला है, CBT 1 का जो आपका मार्क्स आएगा सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क है दोस्तों, तो बस इसको पास करना है और सेकेंड स्टेज में अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, थोड़ी वेबसाइट की बात कर लूँ, जो मैंने टेस्ट सीरीज आप लोगों ने लाया था, टेस्ट सीरीज के 5 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, 6 टेस्ट अभी आज रात में हो जाएगा,
सिक्स टेस्ट अपलोड हो जाएगा, बाकी के कल तक, कल या परसों तक आपके सारे टेस्ट लाइव हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी हमारे वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए लेट हो रहा था, वेबसाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही दोस्तों, इस कारण हम रिजल्ट्स को भी ओपन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी कोडिंग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कोडिंग पता नहीं क्या क्या है सिस्टम, ठीक है, उतना मुझे टेक्निकली नहीं पता है। ठीक है, जो सीएस का बंदा होगा वो अच्छे समझ रहा होगा, थोड़ी सी वेबसाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्या एरर और हो गया, बहुत लोगों का ओपन भी नहीं हो रहा है टेस्ट। ठीक है, कुछ लोगों को ओपन हो जा रहा है, कहीं बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, कहीं किसी में टेस्ट ही शो नहीं कर रहा है, किसी में सिर्फ दो टेस्ट शो कर रहा है, किसी का रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा है, तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, अगर जिन्होंने टेस्ट को परचेज किया है वो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, या कोई ऐसे में एक कल तक हो सकता सही कर दूँ सब कुछ, और अगर नहीं दे पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनको आपको रिजल्ट्स में आपको नहीं शो करा पा रहा हूँ, उसका जो सोल्यूशंस है वो नहीं शो कर पा रहा है, या किसी को टेस्ट ही नहीं शो कर रहा है, तो दोस्तों अगर आपने लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपको जो इसका PDF है, मैं आपको इसको मेल कर सकता हूँ, जो आपका इसका PDF है, टेस्ट का जो PDF है दोस्तों, PDF है विथ आंसर की, इसमें मेरे पास सारे PDF पड़े हुए हैं हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने टेस्ट परचेज किया हुआ है, ठीक है, उनको हम पर्टिकुलरली ये आपको मेल कर देंगे। ठीक है, अगर आप टेस्ट नहीं दे पाए किसी वजह से, या टेस्ट दिया है दोबारा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, किसी का टेस्ट दे दिए बहुत लोगों का, उनके क्वेश्चन शो नहीं कर रहे हैं, किसी का सोल्यूशन नहीं शो कर रहा है, किसी का रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, तो किसी का तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है, किसी के प्रॉब्लम, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई है वेबसाइट में रन में। तो अगर कोई दिक्कत आई है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई हमारी तरफ से भी, थोड़ा वेबसाइट पे उतना ज़्यादा वो लोड हो गया है, जो भी हो गया बात की बात है। तो अगर आपको अपने परचेज किया हुआ है तो मैं आपको PDF सेंड कर सकता हूँ, जिसमें आंसर की भी होगा, आप उसमें सारे अलग अलग सेक्शन के, अलग अलग मेरे पास है मैथ, रीजनिंग, GS के अलग अलग सेक्शन है और 100 टेस्ट के हैं, तो मैं आपको PDF दोस्तों अपना मेल ID मेरे WhatsApp पे शेयर कर देंगे, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।